हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशा'स क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा DIY जो कि बनाऊंगी मैं जूट की रस्सी से, जो कि ऑनलाइन मैंने देखा और वो इतना कॉस्टली था। उसका प्राइस जो था 999 था। वही DIY जो कि घर के लिए बहुत यूज़फुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसको 2-in-1 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, वो बताऊंगी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो वो DIY जो 999 का आपको ऑनलाइन पर मिलेगा, वो DIY सिर्फ 20-30 रुपए में घर पर बन करके तैयार हो जाएगा। तो क्या है वो शुरू करूँ, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस DIY के लिए मैंने लिया है जूट रोप, जो कि पतला वाला जूट रोप आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहें तो ये DIY करने के लिए मोटा वाला जूट की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पतला वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको दो तरीके से यूज़ करना है और दूसरे तरीके से यूज़ करने के लिए पतला वाला रोप ही चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप देख सकते हैं मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर ग्लू गन लगा करके इस तरीके से मैं सर्कल बना रही हूँ। और आप ध्यान से देखें, इसको सर्कल को बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा सर्कल बनाने के बाद में आप इसको अपने फ्लोर पर रख सकते हैं और उसके बाद में आप इस तरीके से घुमाते घुमाते सर्कल बना सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से सर्कल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा तरीका भी बताती हूँ। आप कोई भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा राउंड शेप में कट कर लीजिए और उसके ऊपर ग्लू गन लगाते हुए आप इस सर्कल को बना सकते हैं जूट की रस्सी की हेल्प से। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर ये DIY बनने वाला है। तो इसके लिए हमें किसी और तीसरी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और यकीन माने ये DIY बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने जो जूट की रस्सी से अपना जो जूट का सर्कल बनाया है वो 9.5 इंच लंबाई और चौड़ाई इसकी है, मतलब कि राउंड शेप में है। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, जितना बड़ा बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक बड़ा सर्कल बना करके हमने अलग साइड में रख दिया है और अब मैं बना रही हूँ छोटे छोटे सर्कल कुछ। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना, बहुत जल्दी बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप जब इसको बनाएंगे ना आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो ये देखिए, ये मेरा जूट सर्कल बन करके छोटा सा तैयार हो गया है और आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। और ये देखिए मेरे सारे सर्कल बन गए और अब मैं इनको इस सिमेट्री में ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर एक दूसरे के साथ में अटैच कर रही हूँ और ग्लू गन की हेल्प से बहुत ही आसानी से अच्छे से ये स्टिक हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको स्टिक भी कर सकते हैं, चाहे तो सुई से सिल सकते हैं। और सभी सर्कल्स को स्टिक करने के बाद में ये देखिए मैं ऊपर से एक लेयर और जूट की रस्सी की लगा रही हूँ, वो भी ग्लू गन की हेल्प से ही लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको फेविबॉन्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। और इतना लगाने के बाद में ये देखिए मेरा जूट का ये एक DIY बन करके तैयार हो गया है। और अभी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा थोड़ा करके आपको जितना चौड़ाई रखनी है आप उतनी चौड़ाई के हिसाब से और जितना बड़ा रखना है उतने उस हिसाब से आप इसको बड़ा और छोटा बना सकते हैं। मैंने इसको बना करके इस तरीके से तैयार किया है, तैयार होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पीछे के साइड से ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैं आपको पीछे के साइड से इसको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके पीछे ग्लू गन का यूज़ किया है, तो ये एंटी स्लिप मैट भी है। तो आप इसको दो तरीके से कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको एज ए मैट, फुट मैट, डोर मैट की तरह या फिर अगर आप बड़ा बनाते हैं तो फ्लोर रग की तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इसको एज ए वॉल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल पर लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत बोहो लुक देगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें।
करें। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी क्रिएटिव, बाय बाय।